राजधानी रांची में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। हम अपने सहयोगी को कहेंगे, सहयोगी दिखाएं आप किस तरह से यहां पर नज़ारा है और किस तरह का यहां पर तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। ये सेना के जवान हैं और सेना के जवान भी तैयारियों में मुकम्मल अपनी शिरकत कर रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ कल जो राज्यपाल रमेश बैस यहाँ झंडोत्तोलन करेंगे इस मुख्य मंच से, और मुख्य मंच पर देखिए आप अधिकारियों की जो मुस्तैदी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अधिकारी लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस के का जो आयोजन है उसको हम राजधानी रांची में उल्लास के साथ मनाएं, और इस उल्लास के साथ मनाने के साथ ही यहाँ पे झांकियाँ भी निकाली जाएंगी गणतंत्र दिवस के मौके पर। गणतंत्र दिवस के मौके पर 10 झांकियाँ निकाली जानी है जिसमें कई विभाग शामिल हैं। वहीं खादी ग्रामोद्योग का भी की भी झांकियाँ रहेंगी, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजधानी रांची में मुकम्मल व्यवस्था की गई है। ये आप देख सकते हैं नज़ारा, मैदान सज धज कर तैयार है और यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो परेड की भी व्यवस्था, जो परेड करेंगे वो अब अपने अंतिम रूप दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें खुद ही बयां करती हैं कि ये अंतिम रूप किस तरह से दिया जा रहा है। 10 विभागों की ओर से जो झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी उन झांकियों के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर पालन किया जाएगा, और एक तरह से कहा जाए जो बच्चे हैं बच्चों का प्रवेश यहाँ वर्जित है। वहीं 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का भी प्रवेश वर्जित है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजधानी रांची पूरी तरह से गणतंत्र दिवस को लेकर तैयार है और गणतंत्र दिवस को लेकर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। झांकियों में कोरोना संक्रमण को भी दर्शाया गया है कि किस तरह से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हम गाइडलाइन का पालन करें, और तमाम तरह की बातें यहां पे रखी जाएंगी। वहीं राज्यपाल रमेश बैस लगभग 9 बजे यहां पर झंडोत्तोलन करने वाले हैं और तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ऐसे में हमारा गणतंत्र और भी मजबूत हो, इसके लिए आइए सब लोग एक साथ गणतंत्र दिवस का उल्लास मनाएं। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। उस्ताद आफत में पड़ी है जान। उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।